चलिए छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, जहां पर विधानसभा के विशेष सत्र 1 और 2 दिसंबर को आरक्षण 76% को संशोधन करने के संबंध में पंडरिया गांधी चौक में से सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद रहे। सामान्य वर्ग पंडरिया ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ में जोरदार प्रदर्शन किया है। सामान्य वर्ग ने मोटरसाइकिल से नगर भ्रमण कर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को 76% आरक्षण को वापस लेने के संबंध में ज्ञापन सौंपा है और मांगों को पूरा करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर मांगे पूरी नहीं की जाती है तो उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। अरे बड़ी दुनिया अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा विशेष सत्र के माध्यम से एक विधेयक पास किया गया है, जिसमें आरक्षण को बढ़ा करके 76% किया गया है। आज हम लोग सब सामान्य वर्ग के जो शिष्ट लोग हैं वो सब आज SDM साहब के ऑफिस में उनको ज्ञापन देने आए थे उसका विरोध करने के लिए, और हम राज्यपाल महोदय से माननीय महामहिम जी से निवेदन करेंगे इस ज्ञापन के माध्यम से वो इस विधेयक पर हस्ताक्षर न करें। सामान्य वर्ग के आरक्षण के संबंध में अनुभागीय अधिकारी पंडरिया के समक्ष जो छत्तीसगढ़ शासन और भूपेश बघेल के द्वारा विधि विरुद्ध ढंग से 76% आरक्षण का कोटा निर्धारित किया गया है, जिसके संबंध में हम लोग ज्ञापन देने अनुभागीय अधिकारी पंडरिया के समक्ष उपस्थित हुए हैं। आरक्षण में सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण केंद्र सरकार और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित किया गया, उससे हटकर छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 4% किया गया है, जिससे सामान्य वर्ग के आर्थिक आधार में जिनको लाभ मिलना था उनको नहीं मिल पा रहा है।